एक बेस्ट फ्रेंड मतलब खोना पूरा, वो भी पूरा पता चल गया कि एक जो बेस्ट फ्रेंड है कभी जिंदगी में नहीं आएगा। इतना डूब हुआ, इतना डूब गया कि आई होप जिंदगी में ऐसा कभी फिर से डूब ना हो यार। प्लस का SMS देख के माँ का समय ऐसा लग रहा है कि फिर से मेरे को कॉल करेगा। मैं लाइफ में ना ऐसा जिंदगी मैंने गुजारा नहीं जो इस बार मैं गुजार रहा हूँ। मैं अभी सुबह का बसने वाला है 10, और अभी मैं जाने वाला हूँ एक दोस्त के घर पे क्योंकि उनका आज शादी होने के बाद जो घर लड़की तरफ से फैमिली आते हैं उनका घर में, उसके बाद खाना वाना खिलाते हैं। वो पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ रूल हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है एक्चुअली। तो जब मैं अभी जा रहा हूँ उनका घर में क्योंकि मैं सुबह से आने के लिए बोल रहा हूँ, अभी बस गए 10:30 होने वाला है, 10:30 बजने वाला है। तो विदाउट इन जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं और मैं कुछ चीज को भी एक सामान को भी मैं एक दोस्त को देना हूँ, ठीक है? वो भी एक चीज है भाई, यहाँ से निकल जाते नहीं तो मेरे को बोलते थक जाएगा भाई ये बंदा। चलो क्योंकि आप लोगों को तो पता है जो लोग इंस्टाग्राम से आ रहे हैं उन लोगों को पता चल गया होगा कि, और जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं है वो लोग शायद पता नहीं होगा क्योंकि जो इस बार इस लास्ट ईयर जो दिसंबर में इतना डूब हो गया ना, लाइफ में ऐसा डूब नहीं हुआ मेरा, ठीक है? इतना डूब हुआ कि आई होप जिंदगी में ऐसा कभी फिर से डूब ना हो यार। बहुत गंदा डूब हुआ इस बार, तो इस कारण की वजह से मैं ब्लॉग भी बना नहीं पा रहा हूँ और ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा हूँ। उन लोगों मेरे सामने कर दिया गया, ओह माय गॉड, अरे 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 अरे, चलो चलो। क्वेश्चन क्या है कि स्टिल वही दुखी वाले जिंदगी में गुजार रहा हूँ, इतना भी वो नहीं है कि कह वाला जजीर अभी तक वो नहीं आ रहा, ठीक है? अंदर से ऐसा टूट गया ना मेरा दिल, मतलब जिंदगी में ऐसा टूटा नहीं है बस, एंड आई होप आने वाला फ्यूचर में भी ऐसा ना टूटे क्योंकि ऐसा दिल टूट गया तो माँ का समय, कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा, कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा। और सच में अभी हम लोग फंस गए फाइनली वही पे, हम लोग डेस्टिनेशन में आज जाके मैं एक चीज बोला था ना कि वही का है, उनका नहीं है, बड़ा भाई का आज जो हो रहा है, लड़की घर की तरफ से लोग आएगा और उसके पास खाना वाना खाएगा, और हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, पर मित्र में क्या बोलते हैं उसको, यस गाय खंगना, हम लोग का लैंग्वेज में उसको गाय खंगना बोलते हैं, पर हिंदी में मेरे को नहीं पता है। तो अभी आज मैं सोचा कि उनका ही है, ठीक है? और उसका नहीं है, चलो कोई बात नहीं, होते रहते हैं सब, और जाके मेरे दोस्त भी वेट करना है। ओके ना आ रहे रास्ते में भी मिला साला, ये लेके आ रहे, ये गिर गया यार, ऐसा जिंदगी है भाई, इतना दुख की जिंदगी में जी रहे हो ऐसा भी हो रहा है वहाँ का चोला। तो वैसे अपन लोग जा रहे हैं अभी टाउन में कुछ सामान लेने के लिए, और अभी हम लोग का साथ दे रहे हैं ये देखो काला बादल पूरा की पूरा चारों तरफ से फैला हुआ है भाई, उसका प्रोग्राम मतलब बारिश ना होना वो तो असंभव है भाई, हर प्रोग्राम पे कहीं पानी होते रहते हैं और आज का प्रोग्राम है और चारों तरफ से फैला हुआ है काला बादल, देख रहे ना? पर खैर कोई बात नहीं, जो होगा दिखा जाएगा, जो होगा अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे आने के बाद इतना जाम दिख रहे हैं ना माँ का सब, यहाँ पे आने के बाद हर टाइम में जाम क्यों दिख रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये देखो गाइस ना अभी प्रोग्राम है ना कुछ भी नहीं है फिर भी है हेलवेज जाम। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए, हम लोग जो चीज़ लेने के लिए आ रहे हैं यही जो चीज़ हम लोग बोला था, और ये जो धोती है ना जो लड़की के घर की तरफ से जो लड़का लोग आते हैं ना वही लोग को गिफ्ट करेगा, और लड़की लोग को तो ले गए बस लड़का लोग का बाकी। तो गाइस हम लोगों ने सामान वामान तो ले लिया, ओए मैंने खुले रुक रुक, अरे मेरा पैजामा पूरा के अंदर घुस गया रे, रुक रुक रुक। चलो गाइस हम लोग सामान वामान तो ले लिया, यस यू कैन सी। तो अभी हम लोग जाके यही पे अटेंड करने क्योंकि यहाँ पे रुकते रुकते यहाँ पे बारिश भी होने लगेगा शायद, आजकल सीजन ऐसा लग रहा है कि यार, अरे कुछ बुरा तो नहीं सीजन में आजकल क्या सीन है कि ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग हो रहा है सीजन
सिलचर का अंदर। तो अभी टाइम आ गया पेट भोजन करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाया नहीं, तो इसलिए अभी मैं ठूस के खाऊंगा। ऐसा खाऊंगा कि खाऊंगा भाई। अभी और सच में खाना बना के सब सब कंप्लीट हो गया, अभी जा रहा हूँ हाईवे की तरफ, क्योंकि मैं थोड़ा पीस आउट करना है भाई। अभी बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब होने वाला है, ऊपर डिप्रेशन चला के तो मेरा पूरा की पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा। तो इस कारण की वजह से मैं अभी चाह रहा हूँ पूरा नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि आजकल मैं घर में बैठ नहीं सकता, इतना टेंशन में जा रही, इतना जिंदगी गंदा तरीके से गुजार रहे ना, अलग ही लेवल में गुजार रहा। तो इस काम की वजह मैं अकेला यहाँ पे थोड़ा बहुत इंजॉय करने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नेचर से कनेक्ट होने के बाद थोड़ा बहुत तो अपना अपने आप को डिस्चार्ज कर लेता हूँ। तो भाई साहब ये मैं पहुंच गया पूरा की पूरा खुले आम पे, पूरा की पूरा खुले आम पे, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बैठूंगा एंड देन अपने आप को थोड़ा रेस्ट करूंगा, क्योंकि ना मैं पता नहीं यार अभी भी मैं पूरा ऐसा सफर कर रहा हूँ ना, मतलब घर में जाने का मन भी नहीं कर रहा है और ना बाहर में लेने का किसी के साथ वो नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा बस। मेरे लाइफ में ना ऐसा जिंदगी मैंने गुजारा नहीं जो इस बार मैं गुजार रहा हूँ। मैं अपन तो यहाँ पे आके यहाँ पे इतना तेज हवा दे रहा है ना, कितना सुकून मिला, अलग ही सुकून मिल रहा है यहाँ पे। और क्योंकि अभी जाने वाला है सूरजबनी और ये काफी दिनों के बाद इस शहर में आ रहा हूँ ये देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मेमोरीज है मेरे, ठीक है, मेमोरीज मतलब बहुत सारा मेमोरीज है भाई, क्या ही बोल सकते हैं। इस बार मैं अभी से बोल रहा, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत तो ब्लॉग्स थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है, जब आने के टाइम पे, क्योंकि मैं आजकल ज़्यादा ब्लॉग्स बनाने का मन नहीं कर रहे एंड ऊपर से जो मेरा पहले वाला जो एनर्जेटिक है ना वो नहीं आ रहा, ठीक है, पर जल्दी आने के लिए कोशिश करूँगा। पर फिलहाल के लिए तो मैं इतना मतलब ज़्यादा लाउड बोलना, ज़्यादा क्रेजीनेस हुआ वाला टाइप का नहीं, ठीक है। जैसे मैंने फैल्कन फेस्टिवल से आ रहा था 20 सस्ता में घर पे आ रहा था, पर ये इतना शौक वाला बात सुन के ना मेरा इतना फट गया कि मतलब अलग ही लेवल का हो गया मेरा उस टाइम पे। तो उस दिन से लेके आज तक अप्रोक्स लाइक कितना बस गया 7 डेज 8 डेज हो गया होगा, पर स्टिल वो जो सफ़र है ना, वो जो अंदर की जो दुखी है ना अभी तक चल रहा है मेरा, क्योंकि कैसा नहीं चलेगा भाई। ये जो ऐसा इंसान है मतलब मेरा लाइफ का सबसे एक स्पेशल पर्सन होता है ना वो ही है, इसलिए मैं यहाँ पे आके अपना खुद को थोड़ा बहुत टाइम दे रहा हूँ ताकि बहुत जल्दी हील हो जाए। एक बेस्ट फ्रेंड मतलब खोना पूरा, वो भी पूरा पता चल गया कि एक वो जो बेस्ट फ्रेंड है कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, वो खोना इतना दुख लगता है ना, वो एक्सट्रीम लेवल का दुख है ना। मतलब मैं अभी घर में रह नहीं पा रहा हूँ, मैं कसम से बोल रहा हूँ मैं घर में रह नहीं पा रहा हूँ, और बाहर जाने के बाद दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत इन्जॉय करते तब जाके मैं थोड़ा बहुत मेरा जो अंदर का जो वो हो ना क्या बोलते हैं उसको थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। पर घर में पहुँचने के बाद ना उसका फ़ोटो मेरे को बहुत सारा है एंड एज वेल एज उसका SMS देख के माँ का समय ऐसा लग रहा है कि फिर से मेरे को कॉल करेगा वो करेगा। पर सीन क्या है कि वो इस जन्म के लिए नहीं आएगा, बस उस कारण की वजह से और भी दुख है भाई। क्या ही कि अगर भगवान ने लेके चला गया तो लेके चला गया, क्या ही बोल सकते हैं कि नहीं। तो गाइस इस लोकेशन में मैं निकल जाता हूँ क्योंकि मैं घर में चला जाऊँगा और ऊपर से मेरे बैटरी भी डेड होने वाला है, ऑलरेडी 6% है और सूरजमणि भी घर जाने वाला है, और यहाँ से इस कारण की वजह से मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और मैं घर जाने के बाद फिर से मैं वॉकआउट करूँगा। घर में पहुंच गया और घर में पहुंचते अभी मैं करने जा रहा हूं वर्कआउट। अभी बस गया, शाम का 4:30 होने वाला है, 4:30 हो गया, ठीक है, तो फिर मैं जाके वर्कआउट करूंगा। अभी दुखी में वर्कआउट करेगा तो मेरे एनर्जी नहीं आएगा, सो इस कारण की वजह से मैं पूरा की पूरा चिल्ला के बोल रहा हूं ताकि मेरा अंदर का जो जुनून है थोड़ा बहुत निकले, ठीक है। चलो गाइस अभी मैं वर्कआउट करूंगा एंड देन मिलते पर करने के बाद मजा आता है, बॉडी में इतना फील मजा आ रहा है ना कि मतलब सेटिस्फाई वाला जो फील है ना वो आता है। जब करने के टाइम ऐसा सोचता है कि भाई मैं रहने दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, पर करने के बाद मजा आता है। जिंदगी में क्या चल रहा है आप लोगों को दिखाऊंगा, अच्छा दिन है बुरा दिन है सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को साथ शेयर करूंगा, देन वही है भाई, क्योंकि आप लोग भी एक मेरा एक काइंड ऑफ फैमिली है, तो इसलिए सब कुछ शेयर करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि आप लोग मेरा फैमिली हो, आप लोग मेरा भाई हो, आप लोग मेरा दोस्त हो और आप लोग मेरा गर्लफ्रेंड हो। तो आज ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं ब्लॉग में, तो आज के लिए बाय। मुक्ता दोन क्या जिंदगी चल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा आजकल। साला ये दुख का खत्म नहीं होता भाई।